अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सो गाइस, आई एम ऑन माय वे टू जिम एंड मौसम आज काफ़ी मज़े का है। बाहर गर्मी है बट वैसे धूप वगैरह नहीं है, वरना इस टाइम धूप काफ़ी ज़्यादा होती है। सो ओवरऑल मौसम इज़ रियली गुड। तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते हैं और जिम में भी व्लॉग बना लेंगे, जिम भी आप लोग को दिखाऊँगी। वैसे तो मैंने अपने पुराने व्लॉग में अपनी जिम दिखाई है, बट आज मैंने सोचा है कि यार आई एम गोइंग टू चैलेंज माई सेल्फ। और मैंने अराउंड 200 कैलोरीज तो जिस मशीन पे जाऊंगी ना उस पे बर्न करनी है, बिकॉज अब तक आई जस्ट फील लाइक आई एम टेकिंग जिम एज अ जोक। और मैंने कुछ ख़ास नहीं किया, मुझे अपने में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है और मुझे पूरा महीना होने वाला है। सो अब टाइम आ गया दैट आई टेक माई जिम वेरी सीरियसली। यार कॉर्निश पे तो आजकल बहुत रश है, लोग बहुत फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं और वॉक वगैरह करते हैं। मैंने कोशिश की थी वॉक करूं और ये सब करूं, लेकिन मुझसे नहीं होता है। मैं एक दिन करती हूं और उसके बाद मैं एक दो महीने भूल जाती हूं कि मुझे कंटिन्यू भी रखना है। सो इसीलिए मैंने सोचा यार लेट्स जॉइन जिम, देखते हैं जिम जाके कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। फ़िलहाल तो नहीं पड़ा है, इसीलिए आई एम गेटिंग अ लिटिल सीरियस। आज से मैंने सीरियस वाली जिमिंग स्टार्ट करनी है। और लो, मैंने मौसम की तारीफ की और धूप निकल आई। सो गाइस, अब हम चलते हैं जिम और बाकी बातें जो है वो हम जिम जा के करते हैं। बस देख लो यार, जिस चीज़ की मैं तारीफ करती हूँ वो चीज़ ही इस तरह हो जाती है। मैंने बोला आज मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, और माशाल्लाह से धूप ने कहा लो मैं निकल आई। अच्छा जी, गाड़ी बंद कर दी है, अब हम निकलते हैं बाहर। लेट्स गो टू द जिम, जिमिंग करते हैं। अच्छा गाइस, अब जब मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करने लगी हूँ, और सबसे पहले मैं ट्रेडमिल से स्टार्ट करूँगी। एंड एज आई सेड 200 कैलोरीज, बट यार यहाँ पे तो अभी से मेरी बस होनी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आई विल डू इट। तो मैंने कर ली थी 69 कैलोरीज, उसके बाद मैंने कहा मशीन चेंज करते हैं, फॉर यू नो एक ही मशीन पर आप करते रहो तो आप बोर हो जाते हो। उसके बाद मैंने इस पर स्टार्ट किया और इस वाली मशीन पर मैंने बर्न कर ली थी अपनी अराउंड, वैसे ये मेरी फेवरेट मशीन है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आपकी ओवरऑल बॉडी जो है ना वो इस पर पूरी वर्क करती है, आपके बाजू, आपकी फुल बॉडी। तो इस पर मैंने 30 मिनट में बर्न की थी अराउंड 131 कैलोरीज, और मैंने सोचा कि यार ये तो मैंने कर लिया, मैं ट्रेडमिल पे वापस जाती हूँ और मैं दोबारा से ट्रेडमिल करती हूँ। सो यार मैंने दोबारा ट्रेडमिल की, और पहले मैंने ट्रेडमिल पर बर्न की थी 69, इस दफ़ा मैंने 89 कैलोरीज बर्न की, विच इज़ अ टोटल 158 कैलोरीज। अच्छा गाइस, तो मैंने अभी जो है अपनी जिम से मैं फारिग हुई हूँ, और मेरे भाइयों का मुझे मैसेज आया है कि हमारे लिए आते हुए KFC लेके आओ। अभी एक बंदा जिसने जिम किया यार, उसके लिए इतना मुश्किल है KFC लेना, यहाँ तक खुशबू आ रही है बोटियों की, लेकिन हम नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, बिकॉज अब से बहुत स्ट्रिक्ट वाली मैंने डाइटिंग शुरू की है। सो नो KFC, लेकिन ऑब्वियसली वो डाइटिंग पर नहीं है तो उनके लिए तो लेना पड़ेगा। सो अब उनके लिए KFC लेते हैं और फिर घर चलते हैं। खैर यार, जितनी देर हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मैं लिटरली सोचती हूँ कि मैं जिम में अपना व्लॉग बनाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली वो लेडीज़ जिम में तो प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि किसी की प्राइवेसी मेरी वजह से इन्वेड ना हो जाए या किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो जाए। सो इसीलिए मैं जिम में ज़्यादा नहीं करती हूँ, या जो वर्कआउट मैं करती हूँ आई कैन नॉट शो दैट। सो इसीलिए जिम की आई कैन नॉट मेक मोर, लेकिन हाँ बाहर निकल के एंड ऑल दैट आई कैन डू दैट। लेकिन ख्याल रखना पड़ता है लोगों का, कि लोग आपसे डिस्टर्ब ना हो जाए, उनको फील ना हो कि यार क्या वीडियो बना रही है। सो बस यही है, मैं बोलती तो हूँ जिम जाने से पहले कि मैं जिम में बनाऊँगी, लेकिन जिम में इतना रश होता है दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। लिटरली ऐसा लगता है कि मैंने ड्राइव थ्रू में आके गलती कर दी है, क्योंकि पेट्रोल लिटरली थोड़ा सा रह गया है। वैसे तो खैर इतना है कि मैं आगे जा सकूं, लेकिन आई डोंट नो, गाड़ी बार बार शोर किए जा रही है, सो आई डोंट नो, बट आई गेस ये पेट्रोल चल जाएगा घर तक। हाय, पता नहीं क्या होगा यार, जल्दी जल्दी चलो भाई, जल्दी जल्दी करो भाई।
मुझे ना इतना टाइम हो गया इस KFC पे आते आते कि इवन दो आई टेल देम माई ऑर्डर, उनको फिर भी समझ में नहीं आता है. उनको आप बोलोगे ना फ्रेश एंड हॉट, उनके लिए फ्रेश एंड हॉट जो है वो है कोल्ड एंड फ्रेश. और वो आपको कोल्ड ठंडा यख चिकन की जो आप बोटियाँ देख रहे हैं ना, ठंडी यख पकड़ा देंगे कि भाई बस यही है, जबकि अंदर इतनी गर्म गर्म होती है ना. पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं. आज अगर इन्होंने मुझे ठंडा दिया ना, मैंने लिटरली लड़ाई करनी है. हमारी बारी आ गई, ऑर्डर दे दिया, अब यहाँ से हमने करना है पिक अप. अब देखते हैं अगर इन्होंने ठंडा दिया ना इस दफ़ा. यार क्या कर सकते हैं, मैं तो ठंडा बिल्कुल नहीं खाती और ना ही मैं लेके जाऊँगी. खैर मैंने खाना भी नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले भी नहीं खाते हैं, सो ठंडे का फ़ायदा नहीं है. सो लेट्स सी कि KFC वाले इस दफ़ा क्या करते हैं. आई जस्ट होप कि दे डोंट गिव मी द कोल्ड वन एंड मुझे लड़ना ना पड़े और बहस ना करनी पड़े, बिकॉज आई एम गुड इन दैट ब्रो, आई एम रियली गुड इन दैट. KFC आ गया ब्रो, KFC आ गया है. एंड द सेम इशू दैट इट इज़ नॉट हॉट, बोल दिया मैंने जाके उसको बुलाओ, जिससे बहस करनी हम करेंगे, लेकिन हम हॉट लेके जाएंगे, पैसे दिए भाई. गाइज लिटरली वही सीन हुआ है दैट मैंने उससे कहा कि ये फ्रेश एंड हॉट नहीं है, तो शी सेड आप जाओ जाके पार्किंग में वेट करो, मैं लेके आती हूँ. द थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड इज दैट व्हेन वी टेल देम दैट दिस इज व्हाट आई वांट, लाइक आई रिपीट माय ऑर्डर व्हेन आई कम हियर दैट दिस इज माय ऑर्डर एंड दिस इज व्हाट आई वांट, बट दे स्टिल मेक अ मिस्टेक. मतलब उनको अच्छा लगता है कि वो चल के आए और गाड़ी में आके दें. आई डोंट अंडरस्टैंड देयर लॉजिक. अभी आई एम हियर वेटिंग और उसने बकेट निकाली है और मुझे मेरे फ्राइज और ग्लासेस वगैरह दे दिए हैं. एंड शी सेड मैं बकेट लेके आती हूँ. ठीक है बाजी, आप ले हैं, हम इंतज़ार कर लेते हैं. मेरे तो पाँव नहीं थक रहे, आपके थक रहे हैं. और यार गाड़ी मैंने बंद कर दी क्योंकि मुझे पेट्रोल का आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता है. मैंने हमेशा तभी गाड़ी लिया जब गाड़ी में पेट्रोल होता है. अब पेट्रोल थोड़ा है तो मुझे बस ये टेंशन है कहीं ऐसा ना हो कि घर जाने से पहले पेट्रोल चला जाए और फिर पता नहीं मैं कैसे घर जाऊँगी. सो इसीलिए आई एम जस्ट, मैंने गाड़ी बंद कर दी है एंड आई एम गोइंग टू वेट फॉर हर. और गर्मी शदीद है, बहुत शदीद गर्मी है और मैंने मास्क पहन लिया है बिकॉज मुझे व्लॉग बनाना है. सो बस यही है यार, मुझे ना कुछ लोगों की समझ नहीं आती, इस तरह मुझे KFC वालों की समझ नहीं आती है दैट व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक्सपीरियंस दिस, लेकिन आई एक्सपीरियंस दिस एवरी टाइम. ओके सो बकेट बेचारी इस तरह हो गए, बट गाइस हमारी बकेट आ गई है गरम गरम एंड इट इज एक्चुअली वेरी वेरी हॉट, लाइक मेरे हाथ पे से खा रहे, शुक्र है. सो कभी कभी आपको अपने खाने के लिए लड़ना पड़ता है एंड मैंने वो ही किया है. सो आप लोग भी यही कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम.